प्रदेश में हुए उपचुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी प्रतिष्ठा की सीट खींवसर को नहीं जीत सकी। उन्होंने कहा कि यह मैंडेट न सरकार के पक्ष में है और न ही मुख्यमंत्री के पक्ष में, यह परिणाम स्थानीय समीकरणों के कारण आए हैं। इस चुनाव से ये बात तो साबित हुई है, क्योंकि वहाँ जो जानकारी मिली 28 बूथ ऐसे थे जिसमें अरब में लोग नौकरी करते हैं, बड़ी एक अल्पसंख्यक बिरादरी का बड़ा वोट है, उन 28 वोटों की चुनाव आयोग को समय रहते जानकारी दी थी। वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रिगिंग हुई, 80% से 70% से 80% पोल हुआ, एकतरफा हुआ, सरकार और चुनाव आयोग उसको रोकने में नाकामयाब हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें उसका आकलन करेंगे और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस उपचुनाव से किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रूर था कि मैंने जो कहा मैं उस पर कायम था कि यदि 24 तारीख को दोनों सीटें बीजेपी जीतती तो सरकार को संकट होता, लेकिन ये संकट अल्पकाल के लिए टला है, भविष्य के लिए टला नहीं है। मिशन 2023 उसी प्रतिबद्धता के साथ होगा और हम निश्चित रूप से, क्योंकि ये फितरत सी हो गई है कि उपचुनाव कांग्रेस जीतती और मुख्य चुनाव बीजेपी जीतती।